अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट एसी मोटर्स, और दिस इज एसी मोटर्स नॉट इंडक्शन मोटर। एसी मोटर टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर इन अवर वीडियो लेक्चर सीरीज, एंड दैट्स हाउ वी विल जस्ट रीच द एंड ऑफ दिस कोर्स, और देन यू विल बी सिटिंग इन द एग्जाम। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगा आज के लेक्चर में, और ये जो टॉपिक हैं जो मैंने वीडियोस में किए हैं, दे आर डेफिनेटली मोर मोर इम्पोर्टेंट। अदर दूसरे टॉपिक्स भी हैं, वो भी हैं, डेफिनेटली हैं। अच्छा, तो एसी मोटर्स इन कंपैरिजन टू डीसी मोटर्स, ये एसी मोटर्स हैं, ये एसी पे चलती हैं। ये दो किस्म की हैं, एसी मोटर सिंक्रोनस टाइप एंड इंडक्शन मोटर। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि दिस इंडक्शन मोटर इज बेसिकली ए सिंक्रोनस। तो ए सिंक्रोनस मोटर एंड ए सिंक्रोनस मोटर, ए सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम भी है इंडक्शन मोटर। एंड दिस इंडक्शन मोटर इज डेफिनेटली कम्स इन थ्री फेज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एंड द सेम इज ट्रू विद सिंक्रोनस मोटर, में भी थ्री फेज मोटर्स होती हैं। वो बनाई नहीं है, लेकिन वो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने का पर्पज़ नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर इसको शो नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको ए सिंक्रोनस मोटर्स की जो है कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, और ये कंस्ट्रक्शन अब दुनिया के अंदर एसिंक्रोनस मोटर ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है मोटर के तौर पे। द रीज़न बीइंग, पहले क्या इस्तेमाल होता था, अब दुनिया में ये इस्तेमाल होती है। पहले डीसी मोटर इस्तेमाल होती थी, वो क्यों? इसलिए कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर वॉज ईजी एट दैट टाइम। द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट वॉज नॉट एट दैट लेवल जो कि सपोर्ट कर सके इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल को। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल आसान है, वहाँ पे आप वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, और वोल्टेज तो आप किसी छोटे से ऑटो ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, उससे भी आप डीसी वोल्टेज की लेवल यानी मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज कंट्रोल के साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी कंट्रोल करनी पड़ती है। इस वजह से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल हो गई है। अब इसका फ़ायदा कि चलो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, लेकिन ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि इसके अंदर वेयर एंड टेयर नहीं है। इसके अंदर आपने रोटर के ऊपर कोई सप्लाई पहुंचानी नहीं है, तो इसमें कम्यूटेटर नहीं है, इसमें कार्बन ब्रश नहीं है। रोटर अपनी ज़ात में कम्प्लीटली सेपरेट थिंग है, जो कि बैरिंग पे सपोर्टेड है। सिर्फ ये देखें, दिस इज़ द रोटर, ये सिर्फ बैरिंग पे सपोर्टेड है, और इसके अंदर कोई वायर नहीं है। इसके अंदर वायर नहीं है तो क्या है? इसके अंदर ये रोटर है, सिर्फ बैरिंग पे दोनों साइड से सपोर्टेड है, और ये इसका रोटर है। दिस रोटर एयर इज स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज, स्क्विरल जो है एक वो गिलहरी होती है ना, दरख्तों में चलती है, बागात में पाई जाती है, छोटी सी गिलहरी है, उसका एक पिंजरा होता है, छोटी छोटी डंडियाँ लगी होती हैं, वो गिलहरी का पिंजरा। ये बिल्कुल इसी तरीके का एक पिंजरा टाइप बना हुआ है। इसके अंदर एल्यूमिनियम रॉड्स लगी हुई हैं, डाईकास्टेड है ये, और दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिए हैं। इसकी दोनों तरफ प्लेटें लगा के शॉर्ट कर दिए हैं। एल्यूमिनियम में जब वोल्टेज इंड्यूस होता है तो करंट फ्लो करता है, और क्योंकि ये दोनों के पास रॉड्स दोनों तरफ से शॉर्टेड होती हैं, तो वो करंट जो है बहुत ह्यूज फ्लो करता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, या कह लेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होती है, वो इंटरेक्ट करती है इस स्टेटर से, जो कि आर्मेचर है। स्टेटर पे आर्मेचर है यहाँ पर, और इस आर्मेचर पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज और मे बी सिंगल फेज। तो थ्री फेज जब आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसकी स्टेटर की वायरिंग कुछ ऐसी बनाई जाती है, देखेंगे स्टेटर वगैरह ऐसी बनाई जाती है कि तीन फेज की वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग होती हैं इसके अंदर, थ्री फेज लग जाते हैं इसके बाद, कि वो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रोटेट करना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर जब रोटेट करती है, इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, और इसकी वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होती है, और दोनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से ये रोटर चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये रोटर अगर चलेगा तो किस स्पीड पर चलेगा? ये चलेगा कि आपने जो फ्रिक्वेंसी दी है इसको वोल्टेज की, दैट इज 120 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, जो कि आमतौर पर 50 हर्ट्ज होती है हमारे एसी में, जो हमारे पास आती है। लेकिन हम इसको अगर चलाएंगे वीएफडी के थ्रू, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, जो कि इस इंडक्शन मोटर की का समझ लो कि ड्राइव होती है, स्पीड कंट्रोलर होता है उसमें, वो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप वोल्टेज दे देते हैं उसको ड्राइव को, और ड्राइव बना देती है उसको एसी ऑफ ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए हो। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है वीएफडी का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स का मतलब है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कितने पोल्स हैं, दो पोल्स हो सकते हैं, चार पोल्स हो सकते हैं, तो वो डिवाइड हो जाएंगे फोर्स में। तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? एनएस। लेकिन अगर ये चलेगी तो ये एनएस पे नहीं चलती है। इंडक्शन मोटर डज नॉट वर्क ऑन सिंक्रोनस स्पीड एवर। वजह ये है कि इसकी जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वो इसी वजह से इंड्यूस हो गया कि ये स्पीड में थोड़ी सी रोटेटिंग फील्ड की स्पीड से पीछे रह जाती है।
अगर ये साथ साथ चलना शुरू होगा तो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस ही नहीं होगा, और वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा तो ये रुक जाएगी, और जब ये रुक जाएगी तो इसके अंदर कोई टॉर्क ही नहीं होगा, लेकिन जब रुकेगी तो फिर जाहिर बात है वो अपनी स्पीड से, अगर अगर सेम स्पीड पकड़ ली है इसने, जैसे ये रोटेटिंग स्पीड है उसी के हिसाब से चल रही है, तो इसके अंदर टॉर्क खत्म हो जाएगा तो रुकना शुरू करेगी, तो फिर वो सिंक्रोनस स्पीड पर कभी भी नहीं पहुंच सकेगी बेसिकली, तो वो हमेशा एक सिंक्रोनस स्पीड से नीचे रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड स्लिप, दैट इज गिवन बाय एन एस द सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल स्पीड, ये रोटर स्पीड डिवाइड बाय द एन एस, अगर इसको परसेंटेज में डिफाइन करना हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो ये होता है स्लिप, और स्लिप ही की वजह है जिसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस होते हैं इसके रोटर में, और रोटर बिल्कुल कंप्लीट एंटिटी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, सारी लेद मशीन की मशीन है, सारे प्रेस की मशीन है, सारे बोलने की मशीन है, सारी मशीनों की ये पीछे यही वाली मशीन काम करती है, इंडक्शन मोटर, और इसकी वजह ये है कि इसका वियर एंड टेयर कम होता है, ये लाइफ लॉन्ग है, इसको आप बना के चला के बस बंद कर दें, हवा के लिए आप अगर इसके साथ इनबिल्ट कर देते हैं पंखे, तो ये हवा के अंदर अंदर भी ठंडा करती रहती है, अदरवाइज ये बिल्कुल कंप्लीट बंद मोटर भी अवेलेबल है, इसके अंदर डस्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, आमतौर पर ऐसी मोटर होती है, कुछ एयर कूल्ड भी होती हैं लेकिन बड़ी मोटर हैं, लेकिन ये बिल्कुल अगर बंद भी कर दें तो ये इसके अंदर ना कचरा जाएगा ना कुछ, बिल्कुल सील पैक मोटर होती हैं, तो इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, और बहुत डर्टी एनवायरनमेंट में, बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में चल सकती हैं ये, और वहाँ पर डीसी मोटर के अंदर तो कम्यूटेटर होता है, वहाँ पर तो कार्बन ब्रश होता है, वहाँ पर तो स्पार्किंग होती है, कार्बन ब्रश घिस जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम्यूटेटर भी घिसना शुरू हो जाता है, फिर वो मोटर ख़राब हो जाती है, उसकी लाइफ का मसला है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया, ये दो फार्मूले आप याद कर लें, ये एग्जाम में आएंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में एक दूसरी मोटर है ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि ये इसका स्टेटर है, वाइंडिंग्स होती है इसके बाद, लेकिन ये रोटर ऐसा नहीं होता, रोटर इसका होता है वाउंड रोटर, ये इसका वाउंड रोटर है, लेकिन इसके तार लगे हुए हैं, ये तार टर्मिनेट होते हैं इसके स्लिप रिंग्स पे, स्लिप रिंग्स पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, इसके ऊपर हमने वोल्टेज प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये वोल्टेज आपके जो स्लिप रिंग्स हैं इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई होते हैं, और ये आमतौर पर डीसी वोल्टेजेस होते हैं, तो दुनिया में जितनी भी पावर सप्लाई, जब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो असल में सिंक्रोनस मोटर से बनती है, ये जनरेटर ज़्यादा होता है, जनरेटर के तौर पर ये मोटर भी है, जनरेटर भी है, लेकिन जनरेटर के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये क्योंकि इसके अंदर आपने वोल्टेज इंड्यूस नहीं करने हैं रोटेटिंग फील्ड के थ्रू, तो इसके अंदर अपने वोल्टेज हैं, तो ये रोटेटिंग फील्ड के हिसाब से लॉक करके चलती है और सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, जो रोटेटिंग फील्ड की स्पीड होती है, एंड दैट इज गिवन बाय 120 पी एफ अपॉन पी, मैं आपको बता चुका हूँ एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड पी है द नंबर ऑफ पोल्स, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन द पोल्स, एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द पावर सप्लाई, अगर 220 आ रही है आरएमएस तो फिर वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी पाकिस्तान में, और अगर ये वीएफडी के थ्रू आ रही है तो वीएफडी इसको कोई भी फ्रीक्वेंसी कर सकता है ताकि इसकी स्पीड कंट्रोल कर सके। हैविंग सेड दिस, मैं आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा सारे जनरेटर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं, इसी मोटर के जरिए मोटर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, होता ही है कि यहाँ पे आप डीसी प्रोवाइड करते हैं, इसको घुमाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो यहाँ पे स्टेटर के ऊपर वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डीसी सप्लाई जो आपका ऑटोमोबाइल में ना, अच्छा डीसी सप्लाई स्लिप रिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, आप मैं बता दूं कि और जितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इसी के तरफ से बनती है। अब जो ऑटोमोबाइल में आपके पास जनरेटर होता है, बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको मालूम होगा वो, आप समझेंगे कि बैटरी तो डीसी है तो जनरेटर भी डीसी होता होगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वाली सिंक्रोनस मशीन लगी होती है गाड़ियों के अंदर ऑटोमोबाइल जनरेटर के तौर पे, और वो उसके आगे रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी, एसी को डीसी किया जाता है, और फिर जाके बैटरी चार्ज की जाती है। तो ये दिस वाज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडक्शन मोटर, टू टाइप्स सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस जितनी जितनी ज़्यादा एसिंक्रोनस मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्शन मोटर, जितनी पानी की मशीन है, लेद मशीन है और प्रेस की मशीन है, ये सारी इंडक्शन मोटर के तौर पर इस्तेमाल होती है, सिंक्रोनस मशीनें सिर्फ जनरेटर में इस्तेमाल होती हैं और मोटर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं लेकिन कम, इसके अंदर आपने डीसी प्रोवाइड, इसके अंदर स्लिप रिंग्स होती हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता रोटर पे, दोनों के स्टेटर सेम होते हैं, और ये इसकी ये सिंक्रोनस स्पीड है दोनों की, ये स्लिप होगी इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्लिप नहीं होगी, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है। तो हैविंग सेड दिस, अल्लाह हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।